नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सीधी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ एक एक करके बताएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपको कितना फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, सब कुछ हम आपको डिटेल्स में एक एक करके बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको अगर RRB रिलेटेड या तो फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे RRB ग्रुप डी और NTPC का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप का लिंक दे दें, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप RRB NTPC और ग्रुप डी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आपका जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी यहाँ पे वैकेंसी आया है, इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे 29 अगस्त को जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 2 सितंबर से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23 सितंबर को रखा गया है शाम को 6 बजे तक। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है और कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात के लिए यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट के लिए वैकेंसी जारी दिया गया है, यहाँ पे पोस्ट कोड भी दी गई है और यहाँ पे वैकेंसी दी गई है 3, जिसमें UR का 2 वैकेंसी है और OBC का 1 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें गुजरात से इंजीनियरिंग इन असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, दोस्तों यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है और वो आपका UR के है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पे जिन जिन स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी है उन सभी स्टेट का नेम, उसके साथ साथ पोस्ट नेम और पोस्ट कोड और कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स पे दी गई है। आप इसको चेक कर सकते हो। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है, यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 26 है, यानी कि 26 साल यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 के लिए यहाँ पे दोस्तों 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 ईयर्स थ्रू लेटरल NT आफ्टर ITI, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4 के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे भी 55% यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज मांगा गया है। यहाँ पे दोस्तों केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI ग्रेड 4 के लिए, यहाँ पे दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप देख सकते हैं 3 ईयर्स फुल डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपका अगर आपने डिग्री लिए तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी दोस्तों मिनिमम 55% मार्क्स मांगा गया है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए, यहाँ पे दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड, यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक 10th पास और ITI पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन स्पेशलाइज ITI ट्रेड एंड ड्यूरेशन एज मेंशन बिलो फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा ITI ट्रेड भी यहाँ पे दी गई है, ITI ट्रेड का नाम दी गई है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, उसके बाद मैकेनिस्ट, ग्रिंडर मैकेनिक्स कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, सब कुछ का यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है। आप चेक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ के तभी आप अप्लाई कीजिएगा। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, दोस्तों आपका सैलरी हो जाएगा अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए तो 11,900 लेकर 32,000 रुपये आपका सैलरी हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों अटेंडेंट टेक्निकल अटेंडेंट 1 के लिए तो दोस्तों यहाँ पे 10,500 लेकर 24,500 रुपये आपका सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं द कट ऑफ डेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन ETC सैलरी रिकनॉक्ट, यहाँ पे दोस्तों 29/8/2019 के हिसाब से आपका सब कुछ
काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा गया जनरल कैंडिडेट के लिए और आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट की, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कंसेशन और रिलैक्सेशन सब कुछ यहाँ पे दी गई है। मिनिमम एज में आपका जो लोग एससी एसटी ओबीसी है उन सभी कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगा। उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो बताया गया, आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है। मेन मेन जो चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे जो एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा वो भी दी गई है। आप देख सकते हैं दियर सेल भी है, 100 क्वेश्चन ऑफ रिटन टेस्ट, टोटल मार्क्स ऑफ 100। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कॉमेंट पर पूछ सकते हो, मैं आपको कॉमेंट पर जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।